में दीप उत्सव की तैयारियां पूरी, जायजा लेने के लिए रामनगरी पहुंचेंगे सीएम योगी, हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। सरकार पर फिर बरसे राकेश टिकैत, कहा संसद में लगाएंगे गल्ला मंडी, कृषि कानूनों का अंतिम संस्कार करके ही जाएंगे। देहरादून में हुआ बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, अब तक 11 लोगों की गई जान। देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी, 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, मृतकों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने आज एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के दरवाजे सरकार ने बंद कर रखे हैं और जनता के दरवाजे भी सरकार ने बंद कर रखे हैं, हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि दिवाली यहीं मनेगी, यहीं दिए जलेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के दरवाजे सरकार ने बंद कर रखे हैं और जनता के दरवाजे भी सरकार ने बंद कर दिए हैं, हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया। राकेश टिकैत ने आगे के आंदोलन के सवाल पर कहा कि संसद में गल्ला मंडी लगेगी, सुप्रीम कोर्ट भी नजदीक है और पार्लियामेंट भी बेहद पास है, यहां की मंडी धीरे धीरे बंद हो गई तो उम्मीद है कि दिल्ली में दाम अच्छे मिल जाएंगे। उन्होंने रास्ता रोकने के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार बताया। टिकैत ने आगे कहा कि 26 नवंबर तक का सरकार को समय दिया है, नहीं तो हम भी अपने टेंट रिपेयरिंग का काम करवाएंगे और 6 महीने की और आगे की तैयारी करेंगे, वापस जाकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि काले कानून मुर्दा है, जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक वापस कैसे जाएंगे। तो राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि लगातार प्रशासन की तरफ से टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के खोलने का काम किया गया था, हालांकि रास्ता खोल दिया गया है, बैरिगेटिंग हटा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी राकेश टिकैत सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया, सरकार की तरफ से ही रास्ता बंद किया गया और फिर बाद में उसे खोल दिया गया, और जब तक हम इन तीनों कृषि कानूनों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। रामनगरी अयोध्या में 5वें दीप उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 3 नवंबर को होने वाले दीप उत्सव में इस बार 9 लाख दीप जलाए जाएंगे और इनमें 7,51,000 दीप राम की पैड़ी पर और 1.5 लाख दीप अयोध्या के रामलला के प्रांगण समेत प्राचीन मठ मंदिर और कुंडों पर जलाए जाएंगे। दीप उत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। योगी अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन भी करेंगे। इस दीप उत्सव में आपको बता दें 11 झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। दीप उत्सव की पारंपरिक शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलेगी जो राम कथा पार्क तक जाएगी। भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर 11 वाहनों पर सवार होकर शहर भ्रमण के लिए झांकियां निकलेंगी और रामेश्वरम सेतु, पुष्पक विमान, केवट प्रसंग, राम दरबार, शबरी राम मिलाप, लंका दहन की झांकियां दीपोत्सव में निकाली जाएंगी। दीपोत्सव में दीप जलाने के लिए 12,000 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है और 1 वॉलंटियर को 65 दीपक जलाने का जिम्मा दिया गया है। इसके साथ ही राम की पौड़ी पर लेजर शो प्रोजेक्ट की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में रामनगरी में आपको बता दें दीप उत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूबी, अयोध्या में दीप उत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं वहां पर। बिल्कुल पारुल, इस बार की दीपावली काफी भव्य और रोशनीदार होगी क्योंकि खास इंतजाम किए गए हैं और पहले से भी कहा गया था कि 9 लाख से तकरीबन दिए हैं वो जलाए जाएंगे और कल भी लखनऊ से इन्होंने अपने घर के हरी झंडी दी है जो मुंबई का दिया तैयारी की गई है। इसके साथ ही साथ आज वो खुद पहुंचेंगे और वहां पे पूरी जो जितनी भी तैयारियां हुई उनकी निगरानी करेंगे, उनके एक साथ बैठक भी होगी और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि खास तौर से इस टाइम जो नजरे क्रम है वो अयोध्या को लेकर है और अब सीएम आज पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में और
दीपावली की लेकर खासतौर से अगर हम बात कर रहे हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सहज नजर आ रहे हैं और इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि काफी उत्सुकता है उनको इस बार की दीपावली को लेकर। बिल्कुल रूबी, और लगातार देखिए अयोध्या में ये दीप उत्सव किया जाता है, पांचवी बार लगातार ये किया जा रहा है दीप उत्सव, तो ऐसे में इस बार भी इस दीप उत्सव को और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं ताकि किसी भी चीज में कोई कमी ना रह जाए और एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया जाए। बिल्कुल पारुल, क्योंकि लगातार इस बात को ही लेकर प्रयास चल रहा था क्योंकि दिए की जो तैयारियां हैं वो आसपास के जिलों को दे दी गई थी, यानी कि जो अयोध्या है वो फुल रोशनी से यानी कि पूरी तरीके से दिए की रोशनी से जगमगाएगा और ये देखने लायक दृश्य होगा क्योंकि जो एक अलग तैयारी देखने की मिली और खासतौर से सीएम ने इसमें खुद निगरानी करी है और लगातार इस बात को लेकर उन्होंने कहा है और अपने मंत्री विधायक को भी कहा था कि अयोध्या पे खासतौर से नजर बना के रखे, दिवाली इस बात की काफी भव्य बनाना है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल देखा जा रहा है चुनावी रणनीति को देखते हुए भी कहीं ना कहीं दिवाली जो इस बात की है वो काफी खास मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी के सारे मंत्री विधायक और सीएम खुद वहां मौजूद होंगे और इसके साथ ही साथ आज लखनऊ में भी उन्होंने कई कार्यक्रम ऐसे किए हैं जिसमें उन्होंने अयोध्या रैली का जिक्र किया और वहां पहुंचने के लिए उन्होंने बोला और कल लखनऊ से उन्होंने अपनी आवाज से रिजेक्ट दी है, काफी ट्रक में जो दिए यहाँ से रवाना किया गया है तो खासतौर से इस बार की जो दिवाली है वो देखने लायक होगी। पाऊंगा बिल्कुल रूबिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार अयोध्या में एक बार फिर से दीप उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तैयारियां पूरी कर ली गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर खुद पहुंच रहे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। आपको बता दें कि योगी सरकार साल 2017 से ही अयोध्या में दीप उत्सव समारोह आयोजित करती आ रही है और शुरुआत उद्घाटन साल में आपको बता दें 51,000 मिट्टी के दिए से की गई थी और 2019 में 4 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए थे वहाँ पर और 2020 में 6.5 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए थे अयोध्या में और एक बार फिर इस बार रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में आज एक बड़ा हादसा हुआ है, आपको बता दें कि देहरादून के विकास नगर के पास बुलहार बायला रोड पर एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि बस में सवार सभी ग्रामीण एक ही गाँव के बताए जा रहे हैं। चक्राता के SDM ने बताया है कि हादसे के बाद पुलिस और SDRF की टीमें रवाना हो चुकी हैं, फिलहाल रेस्क्यू का काम आसपास के ग्रामीण चला रहे हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि हादसे के पीछे ओवरलोडिंग एक बड़ी वजह हो सकती है। बस छोटी थी जिसमें 25 लोग सवार थे, कहा जा रहा है कि जिस रूट से ये बस निकल रही थी वहां ज्यादा बस नहीं है इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ही बस में सवार हो गए थे। तो देहरादून में आज एक ये बड़ा हादसा हुआ है, खाई में बस गिर गई है। आपको बता दें इस पूरे हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ी वजह ये बताई जा रही है हादसे की कि बस ओवरलोडेड थी, दरअसल उस रास्ते से ज़्यादा बसें नहीं जाती इसी वजह से एक बस में ज़्यादा लोग सवार हो चुके थे और सभी लोग एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। जब ये हादसा हुआ वहां पर चीख पुकार मच गई, हालांकि आसपास के ग्रामीण वहां पर मौके पर पहुंचे जिन्होंने रेस्क्यू का काम शुरू किया। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, देहरादून के विकास नगर में बस खाई में गिरी है, अभी हालात कैसे हैं, क्या सभी को बचा लिया गया, रेस्क्यू किया जा चुका है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिला देहरादून के विकास नगर चक्राता तहसील का ये पूरा मामला है जहाँ 42 गाँव में एक दर्दनाक हादसा हुआ और लगभग सुबह लगभग 10 से 10:30 के बीच का ये हादसा है जिसमें कि लगभग 16 लोग सवार थे जिसमें से ये कहा जा रहा है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग घायल हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है लेकिन बड़ी चीज ये है कि स्थानीय लोगों का रेस्क्यू भी लगातार सुबह से जारी था, जैसे ही उनको जानकारी मिली उसके बाद स्थानीय लोग कहीं ना कहीं बचाव कार्यों में लगे और उसके बाद राजधानी देहरादून से SDRF की टीम, वहाँ की जिला प्रशासन की टीम और तमाम स्थानीय पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी वहाँ मौजूद और रेस्क्यू का काम लगातार अभी भी जारी किया जा रहा है।
बिल्कुल सुभाष, और जो हादसा हुआ है उसके पीछे ओवरलोडिंग एक बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन देखिए अभी त्योहार का सीजन है, लोगों का इधर उधर आना जाना बहुत बड़ी संख्या में होता है, फिर भी उसके बाद प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं बसें चलाई जा रही थी, क्यों एक बस में इतने लोग सवार हो गए थे? जी बिल्कुल, ये दूर दराज का एरिया और खासतौर से ये ऐसा एरिया है जहाँ की जो लोग हैं वो सीमित समय के लोग हैं, और ये कहा जा सकता है कि जनसंख्या भी सीमित जनसंख्या उस क्षेत्र में है, क्योंकि त्योणी से विकास नगर ये गाड़ी जो है वो आ रही थी और कहा जा सकता है ओवरलोड जरूर थी, लेकिन क्योंकि उन सड़कों पर लगातार इस तरीके की ही जो गाड़ियां हैं वो चलती हैं, कोई बड़ी व्यवस्था सरकार की तरफ से अभी तक नहीं कराई गई थी, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई इसकी ये भी वजह माना जा रही है कि जो ओवरलोड थी वो बस थी, इसके साथ ही अनियंत्रित होकर वो खाई में गिरी, क्योंकि जो सड़कें हैं वो बहुत सक्रिय है उन क्षेत्रों की, क्योंकि त्योणी चकराता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की जनसंख्या भी कम है और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो लोग हैं वहाँ बहुत कम जाते हैं, और ये कहा जा सकता है कि दूर दराज का क्षेत्र है त्योणी से विकास नगर वो गाड़ी आ रही थी, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से दुर्घटना हुई उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो जरूर बचाव राहत कार्य में करते हुए नजर आए, लेकिन बड़ी चीज ये है कि सभी लोग एक ही गांव के बताए जा रहे हैं और एक ही गांव के जो सभी लोग हैं इस गाड़ी में बैठे हुए थे जो यात्री के तौर पर थे, लेकिन कहा जा सकता है उनमें से लगभग 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है इस हादसे के बाद। जी बिल्कुल सुभाष, अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि देखिए बड़ा हादसा हुआ है कि एक ही गांव के 13 लोगों की जान चली गई एकदम से, और ऐसे में ओवरलोडिंग वजह बताई जा रही थी, और गांव जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दूर दराज का ये इलाका है जहां पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा नहीं होती है, तो क्या कुछ इंतजाम आगे के लिए किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है आगे एक बार फिर से ना इस तरह का हादसा हो, उसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल, अभी तो प्रशासन केवल राहत बचाव कार्यों में लगा हुआ है, आगे की क्या रणनीति बनती है उस पर अभी कोई बात नहीं हो पाई, अभी कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग घायल हैं उन्हें बेहतर उपचार के लिए व्यवस्थित अस्पतालों में भेजा जाए, उनका बेहतर इलाज कराया जाए, सरकार की तरफ से सबसे पहली कोशिश यही प्रशासन की ओर से की जा रही है कि व्यवस्थाएं बनाई जाए और उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। वहीं अगर बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना के बाद से अपना दुख जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई है उसको कहीं ना कहीं ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, और जिला प्रशासन को राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं वो देहरादून से उस क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं जहाँ रेस्क्यू काम किया जा रहा है जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई है। कुल मिला के कहा जा सकता है सरकार और प्रशासन अभी रेस्क्यू काम करने की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्दी रेस्क्यू किया जाए, जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों को भी उस खाई से निकाल कर ऊपर यानी कि सड़क पे लाया जाए जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम कराया जाए, और कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी उस स्थान पर पहुंच चुकी है। जी चलिए ठीक है सुभाष, आप नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून में आज सुबह करीब 10 से 10:30 के बीच ये विकास नगर में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर एक बस खाई में गिर गई, जिससे अभी तक आपको बता दें कि 11 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। दरअसल इस हादसे की बड़ी वजह ओवरलोडिंग बताई जा रही थी, और जिस रूट से ये बस निकल रही थी वहाँ ज़्यादा बसें नहीं थी, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ही बस में सवार हो गए थे और ओवरलोडिंग की वजह से ये बस खाई में गिर गई और हादसे का शिकार हो गई। तो चलिए लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि कार्यक्रम हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। जिस जमाने में हम लोग की बहराइच नहीं थे, जिस जमाने में राजभर समाज का कोई नेता बहराइच की धरती पर जाकर राष्ट्रवीर महाराजा सुहरदेव के गौरव को स्थापित करने का काम भी नहीं किया होता, और उस जमाने में
बहराइच की धरती पर दशकों पहले बहराइच की धरती पर जाकर और राजवीर महाराजा सुहेलदेव को आपने जो श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है, हम उसके लिए और हमारा पूरा समाज आपका ऋणी है, आपका आभारी है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। भारशिव हमने कहा तो भारशिव जब कहा गया तो राजवीर महाराजा सुहेलदेव, आप जानते हैं कि किस तरह से भगवान भोले शंकर के कैसे भक्त थे, तो एक बार भगवान भोलेनाथ के नाम पर दोनों हाथ उठाकर हाला हाला जिसका इतना बुलंद इतिहास रहा हो। हम जानते हैं आज पूज्य महाराज जी को अयोध्या की धरती पर जाना है। अभी दलित समाज का भी एक सम्मेलन हो रहा है, उस समाज को भी आशीर्वाद देने के लिए आपको जाना है। समय कम है, हम बस एक मिनट में अपनी बात को हम खत्म करना चाहते हैं। मऊ की धरती से मैं आ रहा हूं और महाराज जी आपके आशीर्वाद से जंग के ऐलान करते आ रहा हूं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस समाज का इतना बुलंद इतिहास रहा हो, उस समाज को शराबी कहकर, उस समाज को नशेड़ी कहकर अपमानित करने का काम मऊ की धरती से हुआ है। अभी दो दिन पहले हुआ है महाराज, यह गुंडा माफियाओं की ताकत की बदौलत, यह सैयद सलार मसूद गाजी के अनुयायियों की बदौलत, उनका सहारा लेकर यह समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब ही उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, तब तक बहराइच की धरती पर सैयद सलार मसूद गाजी की मजार को रोशन करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया है। नाराज हम आपका स्वागत इसलिए करना चाहते हैं और बहुत दिन से वंदना में कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था बाबा विश्वनाथ से, मैं मन्नत मांगता था कि एक समय ऐसा आए जब भारत भारत की लड़ाई हो जाए। और इतने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं सबके सबके तरफ से और मंच पर हमारे जो नेता बैठे हैं उनके तरफ से भी महाराज जी आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे अपने संगीत से, अपने एकक कथा को बढ़ा देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर यह सारी कर छोड़ेंगे। हमने ऐलान किया है, आपके आशीर्वाद से ऐलान किया है कि उसी माऊ के धरती पर जिन लोगों ने राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ समझौता किया, जो लोग ओवैसी से लेकर ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये कौमी एकता दल का गठबंधन हम भूले हैं क्या? और आप सब लोग भी सुन लीजिए, ये पांच महीना अगर यहां लखनऊ की धरती पर आए हैं तो यहां आने की सार्थकता तब है जब ये पांच महीना संकल्प लेकर हम लोगों को घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, एक एक मड़ई झोपड़ी तक जाना पड़ेगा, एक एक लोगों को जोड़ना पड़ेगा, एक एक लोगों को जगाना पड़ेगा। हम महाराजा सुहेलदेव के वंश से हैं और संदेश क्या है कि दारू पीते हैं, शराब पीने वाला भी समाज, और इस तरह की बात कितना समाज सम्मान महाराजा सुहेलदेव महाराजा महाराज जी ने दिया, लेकिन सम्मान नहीं चाहिए तो हम लोगों की तरफ बड़ा मशहूर एक कहावत है, क्या कहावत है कि गो कोहनी मुसहर घरे। अब हम बता देंगे महाराज जी, एक एक रात भर समाज का बच्चा बच्चा, एक एक नौजवान रात दिन हम लोग चलेंगे, एक एक दरवाजे दरवाजे तक जाएंगे और इसी मऊ की धरती पर इसी महीने के आखिरी में मैं मऊ से ऐलान करके आया हूं आपके आशीर्वाद से। लोगों ने हल्दरपुर में रैली करके ये गुंडा माफियाओं की ताकत के बदौलत ये समाज। तो चलते आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,830 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि बीते एक दिन में कुल 440 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 14,600 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ अब तक देश में कोरोना
कोरोना के ठीक हुए मरीजों का कुल आंकड़ा 3,36,55,844 हो चुका है। देश में कोरोना के 1,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस बचे हुए हैं और जबकि 3,42,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में भारत में अब तक कोरोना से 4,00,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। सरदार पटेल जयंती समारोह में इटावा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को राजनीति में स्थिर रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी से तालमेल को लेकर उन्होंने कहा कि हमें जो करना था वो कर चुके हैं, अब उनकी तरफ से निर्णय आने वाला है, लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं हैं और एक बड़े दल और छोटे छोटे दलों से समझौता करके चुनाव मैदान में उतरेंगे। कार्यक्रम में शिवपाल सिंह यादव ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला पहनाकर उनका सम्मान किया। वहीं कुर्मी समाज ने शिवपाल यादव का जोरदार स्वागत किया। कुर्मी समाज की तरफ से सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पक्का तालाब चौराहे पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला पहनाकर उनका सम्मान किया। 21 साल पहले सन 2000 में शिवपाल सिंह के ही कारण पक्का तालाब चौराहे पर शासन प्रशासन के विरोध के बावजूद सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित हो गई थी। कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल सिंह का स्वागत PSC बैंड के द्वारा किया गया। इसमें पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शिवपाल सिंह पक्का तालाब चौराहे से कुर्मी समाज के कॉलेज कर्म क्षेत्र महाविद्यालय में पहुंचे, जहां पर शिवपाल सिंह का जोरदार सम्मान किया गया। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में एक गांव में मानवता को शर्मसार करते हुए एक 40 साल के अधेड़ ने एक 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की, इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित मासूम बच्ची का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची की हालत सामान्य बताई है। वहीं फलका थाना अध्यक्ष उमेश पासवान ने पीड़ित बच्ची की माँ के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। फलका थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिख जा रहा है जी, और न ही किसी तरह का इंजरी है, अभी बच्ची स्थिति सामान्य है। कैसे आप लोग को मालूम हुआ, कैसे आप लोग वहाँ मुखिया जी फोन किए थे एम्बुलेंस के लिए, तो वो एम्बुलेंस के द्वारा हुआ है। अभी बच्ची सामान्य है जी सर, बच्ची सामान्य है। कितना उम्र होता होगा बच्ची सर? उसका उम्र 3 साल है सर। 3 साल, क्या मालूम हुआ उसमें, क्या बताए पुलिस जो आई? पुलिस आई कि उसको बोला कि इसका रेप का मतलब इस पर चार्ज लगा है। हरिद्वार में देवेंद्र प्रधान के काफिले के तेलीवाला गांव में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूती देने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करने को कहा। वहीं देवेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान से उन्हें टिकट दिया जाता है और वो विधायक के रूप में क्षेत्र में आते हैं, तो देवेंद्र प्रधान लोगों की सेवा के लिए हमेशा उनकी तरफ से खड़े रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायत लेकर इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। क्षेत्र का विकास और आम जन की सेवा ही देवेंद्र प्रधान की प्राथमिकता रहेगी। ज्वालापुर विधानसभा में लगभग 1.5 महीने से मेरे दौरे चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को लेकर उत्साह है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जहाँ मेरी बैठक हो रही है, सबसे मैं अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ और सब लोगों को कह रहा हूँ एकजुट होकर, क्योंकि चुनाव आ रहा है, अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाए। सभी जो हमारे कार्यकर्ता जो निष्क्रिय भी हो गया है, उसके भी घर जाकर उसे सक्रिय करें, ताकि चुनाव में आने वाले इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। दावेदारी तो है, हर कार्यकर्ता का अधिकार है, वो दावा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये निर्णय लेना हाईकमान का है। तो लखनऊ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। आप सब दीपावली के पहले उत्साह के साथ
इतने बड़े पैमाने पर इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जो उत्साह, जो उमंग आप सबके अंदर है, यह हम सबको हिंदू रक्षक महाराज सुहेलदेव का स्मरण करा देता है। भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं, ये कोई केवल जातिवाद से जुड़ा हुआ सम्मेलन नहीं है। सामाजिक चेतना को जागरूक करते हुए क्या हुआ है, क्या हो रहा है और आगे क्या होना है, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। और स्वाभाविक रूप से आपको भी इस बारे में देखना होगा। अपने इतिहास पर गौरव की अनुभूति करने वाला समाज, अपने मित्र और अपने शत्रु को पहचानने वाला समाज हमेशा यशस्वी बनता है। लेकिन जो समाज अपने शत्रु और मित्र की पहचान नहीं कर पाता, जो समाज अपने गौरव पर, इतिहास पर गौरव की अनुभूति नहीं कर पाता, उसके सामने पहचान का और अस्तित्व का संकट खड़ा होता है। याद करिए, सरकारें आजादी के बाद बहुत सारी आई, अनेक सरकारें आई, कांग्रेस की भी आई, सपा की भी आई, बसपा की भी आई, केंद्र में भी आई, प्रदेश में भी आई। महाराज सुहेलदेव ने जो अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया था 10वीं-11वीं शताब्दी में, भाइयों बहनों, यह शौर्य और पराक्रम क्या अपने परिवार के लिए दिखाया था क्या? कहते हैं महाराज सुहेलदेव का पराक्रम इस रूप में था कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत की तरफ हमला करने की जरूरत महसूस नहीं किया। भारत के इतिहास का सबसे पराक्रमी क्षण था जब सालार मसूद गाजी को उसकी सेना समेत बहराइच के पास चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने पूरी तरह नष्ट करते हुए, भ्रष्ट करते हुए उस दुराचारी को वहां पर दो खम्भों पर बांध करके आग में झोंकने का कार्य किया था, जीते जी झोंकने का कार्य किया था, और उसके दरिंदों को कहा था कि जाओ और गजनी जाकर के बता देना कि भारत आओगे तो आगे क्या होगा। भाइयों बहनों, बस महाराज सुहेलदेव को 1000 वर्षों तक क्यों भुला दिया गया? आपने कभी प्रश्न किया कांग्रेस के नेताओं से? उनकी सरकार प्रदेश में भी थी और देश में भी थी, सबसे अधिक समय तक 55 वर्षों तक प्रदेश में और 55 वर्षों तक देश में कांग्रेस ने शासन किया। क्या महाराज सुहेलदेव के नाम पर इतिहास में कोई अक्षर, महाराज सुहेल, महाराज के, कांग्रेस के नेताओं के नाम पर तो सबके नाम पर है, लेकिन जिस महापुरुष ने देश को गुलाम होने से बचाया, इस देश की रक्षा की थी, उनके नाम पर न कोई स्मारक, न कोई संस्था का नाम और न इतिहास में एक भी शब्द उनके नाम पर नहीं।
समाजवादी पार्टी चार बार थी प्रदेश में और केंद्र की सरकार में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और तीन बार थी, तीन का चार बार थी। क्या कभी इन लोगों ने चार बार प्रदेश में और चार बार केंद्र में शासन में सहभागी बनने का अवसर मिला लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर इतिहास में जुड़वाने, किसी संस्था का नामकरण करने, उनका स्मारक बनाने या फिर बहन जी ने ही किया? नहीं किया। मेरे तो कैबिनेट में दो राजभर मंत्री थे। जब मैंने प्रस्ताव रखा कि महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनना चाहिए, विजयोत्सव का स्मारक बनना चाहिए बहराइच में, अनिल राजभर ने पुरजोर समर्थन किया लेकिन दूसरे ने विरोध किया था। अकेले अनिल राजभर जूझ रहे थे, इन्होंने कहा था बनना चाहिए लेकिन जिन्हें वोट बैंक का मोह था वो कहते थे नहीं 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 इससे ठीक नहीं होगा। और यही भय आजादी के बाद लोगों को हमेशा हमेशा डराता था, अरे ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, वोट बैंक संग न जाए, अपने इतिहास पर गौरव न करें वोट बैंक के नाते। आज भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बन रहा है, भव्य स्मारक बन रहा है और उसके देखरेख करने का कार्य कर रहे हैं श्री अनिल राजभर। सारे विवादों को पटाक्षेप किया इन्होंने, ट्रस्ट बनवाया और आज वहां पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, भव्य स्मारक बनेगा, देश और दुनिया देखेगी और विदेशी आक्रांताओं को फिर बताएंगे कि भारत का शौर्य पराक्रम क्या है। और यही नहीं, हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी से शिलान्यास कराया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, तमाम कांग्रेसी नेताओं के नाम पे तो डाक टिकट जारी हुए थे लेकिन महाराज सुहेलदेव जी के नाम पर डाक टिकट मोदी जी ने जारी करवाया। देश के अंदर सैकड़ों संस्थाओं का नामकरण नेहरू खानदान के नाम पर है, जैसे कि भारत को इन्होंने बनाया हो, लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण हमारी सरकार ने किया है, बहराइच मेडिकल कॉलेज का नाम महाराज सुहेलदेव के नाम से हमारी सरकार ने किया। अंतर साफ है, फर्क साफ है, एक राष्ट्र रक्षक के रूप में, भारत सम्राट के रूप में, हिंदू रक्षक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देता है और दूसरा अपने वोट बैंक खिसकने के नाते कहीं ऐसा ना हो कि गोहरी और गजनवी के अनुयायी वोट बैंक देने से वोट बैंक ना बनने बन जाए, वो कहीं वोट बैंक उनका खिसक ना जाए, इसलिए महाराज सुहेलदेव का नाम ही नहीं लेते। और यही तो फर्क महसूस कराना है आप लोगों को अपने समाज में जाकर के, यही फर्क महसूस कराना है, बोलना है कि हम सब के जातीय स्वाभिमान के प्रतीक और भारत की रक्षा के लिए उस कालखंड में 1000 वर्ष पहले जिस महापुरुष ने पूर्व शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था उस महापुरुष को आखिर क्यों विस्मृत कर दिया गया और क्यों कांग्रेस सपा बसपा सब के लिए अगर कोई
व्यक्ति अपने महापुरुष को भुला करके विस्मृत करके जबरन हम अपने महापुरुष को अपमानित करते हैं तो फिर इस पाप के भाग उस पाप से कभी वंचित नहीं हो सकते। जो महापुरुषों को और पूर्वजों को हमारे यहां तो हमने देखा हो ना देखा हो, हर भारतीय अपने पूर्वजों के लिए वर्ष में 15 दिन का समय आरक्षित रखता है श्राद्ध और तर्पण के लिए। किसी तीर्थ में जाता है, नाम पता न हो न हो न हो या हो या न हो, लेकिन कहता मैं अपने कुल खानदान के उन सभी ज्ञात अज्ञात पूर्वजों को एक साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, उनको तर्पण कर रहा हूं, उनको पिंडदान करता हूं, उनको श्राद्ध करता हूं। यह तो हमारी पहचान है। औरंगजेब का बाप, अंतिम समय में जब औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके रख दिया था तो उसने औरंगजेब को यही श्राप दिया था। उसने कहा भाई मैं जिंदगी भर इन हिंदुओं पर अत्याचार करता रहा, लेकिन आज मुझे याद आया है, क्योंकि सांझा को औरंगजेब ने क्या किया था, दिन भर एक मटकी में पानी दे देता था और 24 घंटे उसी पानी से उसको पूरा काम अपना करना होता था। और तब उसने कहा था कि तू जल्लाद है, अरे तुझसे अच्छा तो वह हिंदू है जो जीते जी तो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद भी तर्पण करता है। अगर हम अपने महापुरुषों को सम्मान न दे पाए तो फिर बेकार है जी। व्यक्तिगत सम्मान कोई मायने नहीं रखता। जिस कुल खानदान के कारण हमारी पहचान बनती है हमें हमेशा उस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मैं तो मानता हूं भारत 150 वर्षों तक विदेशी हमलों से बचा रहा इसलिए क्योंकि हमारे पास उस कालखंड में महाराज सुहेलदेव जैसा शौर्य और पराक्रमी महापुरुष था, राजा था, हिंदू रक्षक था, इसलिए देश सुरक्षित रहा। भाइयों बहनों, हमने कौन वे लोग हैं जो आज महाराज सुहेलदेव के नाम लेने से कतराते हैं, उनके नाम पे राजनीति करेंगे, उनके नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन अनुयायी बनेंगे गोरी और गजनवी के अनुयायियों का ही। पहचानिए उन लोगों को, अपने समाज को बताने की आवश्यकता है। एक आत्म गौरव का बोध कराया है इस देश को मोदी जी ने कि हम अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान करना सीखें। दूसरा, देश को, गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा बनाते हुए शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। पहले कितने गरीबों को मकान मिलते थे और मकान भी अगर कुछ मिले, टोकन मनी मिल भी गई तो उस टोकन मनी के साथ अपने पूर्वजों का नाम जरूर जोड़ना होता था उन लोगों को कि कांग्रेस के पूर्वजों का नाम जोड़ो। लेकिन मोदी जी ने आवास योजना शुरू की, उस आवास योजना का नाम दिया प्रधानमंत्री आवास योजना और हर गरीब को उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख लोगों को एक एक आवास मिला। गरीबों का आवास, उसके लिए कोई सिफारिश नहीं, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब को अन्न योजना का लाभ, हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। और प्रदेश के अंदर अभी आप आजमगढ़ की तरफ से, गाजीपुर की तरफ से, चंदौली की तरफ से, यहां से इस रास्ते आए होंगे तो
तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आए होंगे, आपने देखा होगा कैसे जोड़ने का मार्ग बन रहा है, एकदम फराटा भरते भरते। ये है विकास का कार्य, ये है कार्य। ये काम पहले भी हो सकते थे, पहले विकास की सोच नहीं थी, क्योंकि हमारे लिए तो पूरा प्रदेश परिवार है और सपा बसपा कांग्रेस के लिए अपना कुल खानदान ही प्रदेश है, और सब कुछ केवल करते थे अपने कुल खानदान के लिए, बाकी कुछ के लिए, किसी के लिए नहीं। और इसीलिए आप लोग तो जानते होंगे ये गुंडे ये माफिया कैसे हावी होकर के, कैसे इनका काफिला चलता था सड़क पर, कोई गरीब, कोई व्यापारी, कोई बेटी, कोई बहन सुरक्षित नहीं मान पाती थी अपने आप को। उनका काफिला चला तो ऐसे लगता था जैसे एकदम दहशत पैदा करते हुए। आज क्या किसी माफिया और किसी अपराधी का तो साहस है कि अपना फराटा भरते हुए सड़कों पर दौड़ सकते? भाइयों बहनों, हम सबको जब राजनीति के प्राधिकरण को रोकेंगे, हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को सुरक्षा और सम्मान देकर के स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तब समाज का हर तबका प्रतिनिधित्व पाएगा। और आज आप सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री है, श्री सकलदीप राजभर राज्यसभा के सांसद हैं, श्री विजय राजभर विधायक हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग में दो दो सदस्य हैं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, इन सभी पदों पर विराजमान हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यकर्ता का समायोजन ये तब हो पा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, और नहीं तो भाई तीन लोगों का नाम मैंने आपके सामने लिखा या पांच लोगों का नाम मैंने आपके सामने लिया, क्या एक कुल खानदान के हैं क्या? अलग अलग है, कोई घोसी से है, कोई काशी से है, कोई बलिया से है, कोई अलग स्थान से है, और नहीं तो सब कुछ एक को ही दो, बाप भी मंत्री बनना चाहता है, बेटा भी सांसद बनना चाहता है, दूसरा बेटा MLC बनना चाहता है, बाकी करना चाहता है, बाकी और सब लोग टुकटुकी लगा के देखते रहो। ये सब ब्लैकमेलिंग बंद करवाओ, एकदम बंद करवाओ, और इस दृष्टि आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, हम सबको आज एक बार फिर से अंगड़ाई लेनी होगी, खड़ा होना होगा, राजनीतिक ब्लैकमेलिंग की दुकानों को पूरी तरह बंद करना होगा। और भाइयों बहनों, जिस दिन राजनीतिक ब्लैकमेलिंग की दुकानें बंद होंगी, हर समाज का व्यक्ति समाज के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने की क्षमता रखते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कोई रोक नहीं पाएगा जी, कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार बनने दीजिए महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक, लोग गाजी को भूल जाएंगे, और यही तो पीड़ा है गाजी के अनुयायियों को, यही पीड़ा है कि कहीं गाजी को भूले तो राजनीतिक रूप से इनके लिए हमेशा का वनवास हो जाएगा, हमेशा के लिए वे जनता के द्वारा कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे, और इसलिए वे महाराज सुहेलदेव के स्मारक का विरोध करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से षड्यंत्र में हिस्सेदारी बन गए हैं, बताने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, आप सब आए हैं दीपावली के पहले, आज कार्यक्रम जगह जगह चल रहे हैं, और मैं तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सामाजिक सम्मेलन बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाए हैं, श्री नरेंद्र कश्यप जी ने, श्रीमती प्रियंका रावत जी ने, श्री
इन सब लोगों ने अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया और अच्छे तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके सामाजिक चेतना को जागृत करने के साथ साथ उस सामाजिक चेतना को राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ने का कार्य किया। हमारा संवाद आपके साथ इसलिए क्योंकि महाराज सुहेलदेव के साथ हम सबका संवाद बनता है, क्योंकि महाराज सुहेलदेव अपने परिवार के लिए नहीं लड़े थे, देश और धर्म के लिए लड़े थे। देश और धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। हमारे लिए भी राष्ट्र धर्म एकमात्र धर्म है और उसी धर्म का तो निर्वहन कर रहे हैं लोग, उसी धर्म का निर्वहन करते हुए काम कर रहे हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, जाइए समाज में, एक एक परिवार को टच करिए, बताइए। एक एक व्यक्ति को बताइए, फर्क साफ है। पहले केंद्र में या प्रदेश में जो सरकारें बनती थी वे अपना हवेली बनाती थी और आज मोदी जी और हम क्या कर रहे हैं, हर गरीब की हवेली बना रहे हैं। 43 लाख गरीबों को आवास दिए हैं प्रदेश में। भाइयों बहनों, पहले बीमारी आती थी, लोग गरीब उससे मरता था। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा सबको फ्री में उपचार, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की व्यवस्था भी की गई है। पहले बिजली नहीं मिलती थी क्योंकि बिजली को तो एक खानदान ने कैद करके रख दिया था। कैद करके रख दिया था, वो चाहता ही नहीं था कहीं और बिजली मिले। लेकिन आज तो बिजली सब जगह मिल रही है ना, आज तो कोई समस्या ही नहीं। राशन सबको मिल रही है, बिजली सबको मिल रहा है, किसान सम्मान निधि का लाभ सबको मिल रहा है, आवास हरेक गरीब को देना है, शौचालय हरेक गरीब को दिया गया है। पहले नौकरी निकलती थी, एक खानदान झोला लेकर के निकल पड़ता था वसूली में और वसूली के बाद भी खानदान और फिर जाति से जुड़े हुए लोगों को ही नौकरी मिलती थी, शेष बेचारे टुक टुकी लगाई देखते रहते थे। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो सबको नौकरी है। इसलिए भाइयों बहनों, समझाइए, बताइए, वास्तविकता बताइए। देखिए, आदत जल्दी सुधरती नहीं है। जिन लोगों की आदतें खराब हैं वह भले ही भय से कुछ कर ले, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके सरप्रस्त जितने माफिया और जितने अपराधी थे ये सब ओम स्वाहा हो चुके हैं और इसलिए वो भयभीत हैं कि कहीं पब्लिक उनके साथ ऐसा ना कर ले। इसलिए अब नया ढोंग रच रहे हैं, इसलिए सतर्क और सावधान रह करके पूरी मजबूती के साथ एक एक व्यक्ति को समझाइए। भारतीय जनता पार्टी, मात्र भारतीय जनता पार्टी आपके सुरक्षा के लिए भी, आपके सम्मान के लिए भी और आपके स्वावलंबन के लिए कार्य करेगी। और यही दीपावली के पहले मैं आप सबका आह्वान करूंगा, फर्क साफ है, सबको बताइए पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है। पहले राशन नहीं मिलता था, आज राशन मिल रहा है। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली मिल रही है। पहले सुरक्षा नहीं थी, आज सुरक्षा है। पहले किसान सम्मान निधि नहीं थी, आज किसान सम्मान निधि है। सब कुछ आज है, सब कुछ है, ये लोग उसी से वंचित करना चाहते हैं। पहले महाराज सुहेलदेव का नाम लेने में लोग डरते थे, आज महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम भी बन रहा है। महाराज सुहेलदेव के नाम पर आज, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आज एक भव्य स्मारक भी बन रहा है और महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम एक विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये है फर्क, क्योंकि हमारी राजनीति वोट बैंक में कैद होकर के नहीं, राष्ट्रीय महापुरुषों को सम्मान देने का कार्यक्रम है, अभियान है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी
वोट का झुंझुना लेकर के नहीं घूमती है। वोट का झुंझुना लेकर के जो घूमते थे वे महाराज सुहेलदेव से परहेज करते थे। इसलिए इसको गांव गांव घर घर जाकर के पूरे वेग के साथ फैल जाने की आवश्यकता है और उस अभियान के साथ आप सब जुड़ेंगे इस विश्वास के साथ। आज के इस अवसर पर मैं आयोजकों को कार्यक्रम के लिए इस उत्साही कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। महाराज सुहेलदेव के सौर पराक्रम को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबको मैं दीपावली की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए पाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।